नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्ड मीनिंग के जो है नए नए वर्ड हम रोज लेके आते हैं, कुछ पांच वर्ड लेके फिर से आया हाजिर हुआ आपके सामने। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ड्स को याद कैसे करना है, उनको उनके सिनोनियम्स एंटोनियम्स वगैरह सारे इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। जैसे सबसे पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो है अफर्म। अफर्म मतलब दावे से कहना, कंफर्म करना, जिसको कहते हैं सर्टिफाई करना। ही अफर्म दैट द ही अफर्म द कंट्रीज कमिटमेंट ऑफ टू पीस। क्लियर हुआ यहाँ से? ही अफर्म द कंट्रीज कमिटमेंट टू पीस। लो, समझ में आया अफर्म का मतलब क्या हुआ? दावे से कहना, सर्टिफाई कह सकते हो आप, कंफर्म कह सकते हो, तो वो हो गया अफर्म। या फिर कह सकते हैं स्वीकार करना, पुष्टि करना, प्रतिज्ञान करना, अनुमोदन करना, दावे से कहना, मान लेना, जैसे कि हमने अभी देखा भी था स्क्रीन पे। तो अफर्म का मतलब क्या हो गया? किसी बात को स्वीकार कर लेना या दावे से कहना, सर्टिफाई वगैरह। तो इसका इंग्लिश मीनिंग देखे तो एक वर्ब है, एज अ वर्ब यूज हुआ था ये, स्टेट ऑफ एम्फेथेटिकली और पब्लिकली ही अफर्म दैट दे वुड लैंड मिलिट्री असिस्टेंस। सेंटेंस में यूज हो गया ये, स्टेट ऑफ एम्फेथेटिकली और पब्लिकली की कुछ कंफर्म करना, दावे से कुछ कहना। ही अफर्म दैट दे वुड लैंड मिलिट्री असिस्टेंट। सेकेंड वर्ब एज अ वर्ब यूज होता है डिक्लेयर वन सपोर्ट फॉर अफोर्ड और डिफेंड, किस अपना सपोर्ट दिखाना। जैसे द चार्टर अफर्म द राइट ऑफ नेशनल माइनॉरिटी टू यूज देयर ऑन लैंग्वेज। नेक्स्ट एज अ लॉ भी यूज हो सकता है, एक्सेप्ट और कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ जजमेंट और एन एग्रीमेंट। जैसे रेटिफाइज द कोर्ट ऑफ अपील अफर्म अ डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। यहाँ पे सेंटेंस में साथ के साथ यूज दिखाया गया है यार। जैसे नेक्स्ट है लॉ एज अ मेक अ फॉर्मल डिक्लेरेशन रेदर देन टेकिंग एन ऑथ। एक फॉर्मल डिक्लेरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं हम ऑथ वगैरह के लिए नहीं। जैसे ही रिफ्यूज टू टेक द ऑथ बट चूज सिंपली टू अफर्म ऑन बींग एडमिटेड टू द प्राइवी काउंसिल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एज अ वर्ब यूज होता है ऑफर समवन इमोशनल सपोर्ट और इनकरेजमेंट। देयर आर फाइव कॉमन वेज पेरेंट्स फेल टू अफर्म देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको अफर्म को यूज कैसे करना है सेंटेंस में। अफर्म का मतलब क्या है? स्वीकार करना, दावे से कहना, पुष्टि कर देना। सिनोनियम की बात करें तो सिनोनियम हो गए इसके, जैसे एग्री टू, अप्रूव ऑफ, असेंट टू, असर्ट, एसेवरेट, अटेस्ट, अटेस्ट बोल देते हैं एकदम, सर्टिफाई, कंफर्म, कंसेंट, डिक्लेयर, डिफेंड, एंडोर्स, गिव एन अंडरटेकिंग, गिव वंस वर्ड, गारंटी, मेंटेन, प्लेज, प्रोक्लेम, प्रॉमिस, प्रोनाउंस, रेटिफाई, सेंक्शन, स्टेट, सपोर्ट, स्वेयर, अपहोल्ड। तो काफी इंपॉर्टेंट सिनोनियम है इसके, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मना कर देना, नकार देना, वो हो गया डिनाइड। क्लियर हुआ? तो याद कैसे कर सकते हो आप इसको? अफर्म अ प्लस फर्म स्टेटमेंट। अफर्म मतलब किसी बात को पूरा स्वीकार कर लेना, मान लेना, दावे से कहना। ठीक है, क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नए शब्द की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हर्ल्ड। हर्ल्ड मीन्स जोर से फेंकना, जैसे शू हर्ल्ड एट केजरीवाल। तो हर्ल्ड मतलब जोर से फेंकना, या फिर आप कह सकते हो जोर से चिल्लाना। तो वर्ब है ये थ्रो और इम्पेल समवन और समथिंग विद ग्रेट फोर्स। रॉयटर्स हर्ड अ ब्रिक थ्रू द विंड स्क्रीन। तो यहाँ से क्लियर हो, जो रॉयटर्स थे उन्होंने एक ब्रिक फेंकी विंड स्क्रीन के थ्रू। नेक्स्ट एज अ वर्ब यूज हो सकता है अटर कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज बोलना वेहमेंटली। मीन्स द डेमोन्स्ट्रेटर हर्ड एब्यूज एट काउंसलर्स। यहाँ से ये भी क्लियर हो गया, अटर करना कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज, कुछ बुरा भला कहना। इनफॉर्मल वर्ड में वॉमिट। यू मेक मी वॉन्ट टू हर्ल। इनफॉर्मली एज अ नाउन भी यूज होता है अ राइड इन अ व्हीकल, अ लिफ्ट, ही पेल, एनी चांस ऑफ अ हर्ल। ये एज अ राइड के लिए भी यूज हो सकता है, वॉमिट के लिए। ये इनफॉर्मल मीनिंग है। फॉर्मली मीनिंग क्या है इसका? थ्रो और इम्पेल विद ग्रेट फोर्स, या कहो किसी को कुछ शब्द बोलना एब्यूजिव। सिनोनियम्स हो गए इसके, जैसे बिश जो इम्पोर्टेंट है, बिश हो गया, बज हो गया, कास्ट समथिंग कास्ट करना, डैश डायरेक्ट, ये फायर आग लगाने वाला है, जैसे फायर बोलते हैं वो वाला फायर, कुछ बोलना, हीव,
लॉन्च, लेट फ्लाई जक, पेग, पिच, प्रोजेक्ट, प्रोपेल, सेंड, स्लिंग, थ्रो, टॉस एंड बैंग, ये सब इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो गए। तो एंटोनियम क्या हो गया? कैच या फिर हॉल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एल्कोव। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, ये क्या दिखा रखा है? जो ये चीज दिखाई गई है, ये एक एल्कोव है, मींस आला है। नाइस एल्कोव, आला, जैसे पहले बनाए जाते थे गांव वगैरह में, देखे हो आपने, कुछ सामान रखने के लिए आले बना दिए जाते थे, उनको क्या कहते हैं? एल्कोव, या आप हिंदी में इसको कुंटी भी कह सकते हो, कुंज कह सकते हो, गुफा, गिरोची, मेहराब, दारताका, सबका अलग अलग कहने का तरीका। वैसे आला काफी अच्छा वर्ड है, एज अ नाउन यूज होता है, स्मॉल रिसेस ओपनिंग ओपन लार्जर रूम, जैसे हमने अभी देखा भी है स्क्रीन में। तो एज अ सिनोनिम कौन कौन से हो गए? जैसे बे हो गया, एप्स हो गया, कैविटी हो गया, कॉर्नर, होलो, इंडेंटेशन हो गया, इंगल, नुक, नीच, नुक, ओपनिंग और रिसेस। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? जस्ट अबाउट द एंट्रेंस इज अ स्मॉल एल्कोव विद इमेजेस ऑफ रामा एंड सीता। जैसे ही एंट्रेंस करते हैं उसके तुरंत बाद एक एल्कोव है जिसके अंदर इमेजेस है राम और सीता की। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो? एल्कोव को तोड़ दे तो आल केव, छोटी गुफा। केव मतलब क्या होती है? गुफा। तो अल्कोव क्या हो गया? छोटी गुफा टाइप आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, आला जिसे कह दिया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्क्रीन पे एग्रावेट। एग्रावेट मतलब किसी चीज को बढ़ा देना और ज्यादा वर्स कर देना। जैसे ही वुड ओनली एग्रावेट द सिचुएशन, गंभीरता बढ़ा देगा, उसको भड़का देगा, सिचुएशन को भड़काना, क्या हो गया? एग्रावेट। जैसे यहाँ पे लिखा आई ओनली मेक थिंग्स वर्स एंड दैट्स अ प्रॉमिस, तो ही क्या कर रहा है? वो सिर्फ एग्रेवेट है, गंभीरता बढ़ाता है, भड़काता है, जिसे आप कह सकते हो भड़काना, बिगाड़ना, छेड़ना, उत्तेजित करना, गंभीरता बढ़ाना, बदतर करना, तो और ज्यादा बदतर करना। जैसे परसों हुई भी है हमारे इंडिया में, डे बिफोर येस्टरडे, तो बहुत ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो गई थी, तो कुछ लोगों ने उनको और ज्यादा भड़काया था, एग्रेवेट किया था। तो एग्रेवेट क्या हो गया? एक वर्ब है, मेक अ प्रॉब्लम और इंजरी और ऑफेंस वर्स और मोर सीरियस, और ज्यादा बिगाड़ देना। मिलिट्री एक्शन वुड ओनली एग्रेवेट द सिचुएशन। इनफॉर्मली अगर बात करें तो अनॉय करना या एक्सपेरेट करना, किसी चीज को अनॉय कर देना। शी फाउंड हिम थोरोली एग्रेवेटिंग एंड अनप्रोफेशनल। तो एग्रेवेट को कैसे याद कर सकते हो? एग्रा मीन ज्यादा, एट, ईटिंग मोर विल मेक योर बॉडी वर्स। एग्रा मतलब ज्यादा, वेट का बी हटा के एट, ज्यादा खाना मतलब आपकी बॉडी को वर्स बना सकती है। तो एग्रावेट हो गया सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स कर देना, बिगाड़ देना, भड़काना। बढ़ते हैं नए शब्द की ओर। नेक्स्ट वर्ड है एगॉग। एगॉग मीन्स उत्सुक। आई एम ऑल एगॉग टू सी माई स्केच। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है, एगॉग मतलब उत्सुक, या कहो विकल, चंचल, अस्थिर, ये भी क्या हो गया? एगॉग का हिंदी मीनिंग। तो ये एडजेक्टिव है, वेरी एगर और कोरियस टू हियर और सी समथिंग, जैसे सेंटेंस में यूज हो रहा था। री ओपनिंग ऑफ दिस आर्ट गैलरी हैज हेल्ड द सिटी एगॉग विद क्यूरियोसिटी। जो ये आर्ट गैलरी की जो री ओपनिंग है, इसने पूरे शहर को उत्सुक बनाया हुआ है क्यूरियोसिटी के साथ कि अब ये खुलेगी, खुश है काफी। व्हेन माय कजन सेंट द बॉटल अक्रॉस आई वाज ऑल अगॉग विद एक्साइटमेंट। तो यहाँ से इसके सिनोनियम क्या जाएंगे? जैसे एनेक्सियस, एविड, ब्रेथलेस, क्यूरियस, ईगर मतलब बहुत ज्यादा जल्दी, इनथ्रेल्ड, एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड, एक्सपेक्टेंट, इम्पेशेंट, इन सस्पेंस, इचिंग, कीन, लॉन्गिंग, ऑन पिंस एंड नीडल, ऑन टेंटर हुक्स, ये इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। ऑन पिंस एंड नीडल्स फ्रेजेस हैं। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन द एज ऑफ वन सीट, वन माउथ, वेटिंग विद बेट ब्रेथ। ये तो सिनोनियम्स हो गए, साथ के साथ हमने इडियम्स देख लिए। तो एंटोनियम क्या हो जाएंगे? इनक्यूरियस और अनइंटरेस्टेड। तो याद कैसे कर सकते हो? अगोग में, आहा, गूगल देखकर अगोग रह गया, मींस मैं उत्सुक हो गया, चंचल, अस्थिर हो गया। तो यहाँ से ये सेंटेंस भी क्लियर, ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।